नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। दागी विधायकों को शामिल करने के कारण एकनाथ शिंदे खेमे और भाजपा के भीतर तनाव पैदा हो रहा है। तो खबर है कि शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महाविकास आघाड़ी में बने रहने की इच्छा जाहिर की है। वहीं राज्यसभा सांसद और बिहार भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी के एक बयान से महाराष्ट्र की सियासत भी गर्मा गई है। उन्होंने कहा कि हमने केवल उन्हें तोड़ा है जिन्होंने हमें धोखा दिया है, जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना। इस बीच शिंदे सरकार के विस्तार के तार आगामी बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव से भी जोड़कर देखे जा रहे हैं। भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि पार्टी का ध्यान बीएमसी और सेना के गढ़ औरंगाबाद, ठाणे और कल्याण डोंबिवली जैसे निकाय चुनावों पर है। तो उधर जालना में स्टील, कपड़ा व्यापारी और रियल एस्टेट डेवलपर के यहाँ छापे में करीब 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति मिली है। प्रदेश के इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र में लंबे इंतजार के बाद कैबिनेट का विस्तार तो हो गया, लेकिन मंत्रिमंडल में कुछ दागी विधायकों को शामिल करने के कारण एकनाथ शिंदे खेमे और भाजपा के भीतर तनाव पैदा हो रहा है। भाजपा की राज्य उपाध्यक्ष चित्रा वाघ ने मंत्रिमंडल में संजय राठौड़ को शामिल किए जाने के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दिया। उनके अनुसार राठौड़ कथित तौर पर आत्महत्या करने वाली 22 वर्षीय लड़की की मौत के मामले से जुड़े हुए हैं, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का दावा है कि राठौड़ को पुणे पुलिस ने क्लीन चिट दी है। वाघ ने इस क्लीन चिट के आधार पर भी सवाल उठाया और कहा कि वे इस मुद्दे पर अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस से लेकर वाघ और अन्य भाजपा नेता पिछले साल से राठौड़ के इस केस में शामिल होने का मुद्दा उठा रहे हैं। उस समय राठौड़ एमवीए सरकार में मंत्री थे। आरोप सामने आने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। भाजपा नेता आशीष शेलार ने कहा कि चित्रा वाघ लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रही है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देंगे। राठौड़ शिवसेना से है। शेलार ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि राठौड़ के कैबिनेट शामिल होने से भाजपा को समस्या थी। राठौड़ को लेकर शिंदे खेमा भी भाजपा से उतना ही खफा है। विधायकों के अनुसार देर से कैबिनेट विस्तार और बार बार सीएम के दिल्ली दौरे पर जाने से राज्य में शिंदे के नेतृत्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उद्धव समूह लगातार उन्हें दिल्ली के सामने झुकने पर निशाना बना रहा है। बिहार की राजनीति में हुए बदलाव का असर महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। खबर है कि शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महाविकास आघाड़ी में बन रहे इच्छा जाहिर की है। इस संबंध में राकपा के नेताओं ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होकर नया गठबंधन बनाया है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शामिल है। कल एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने ठाकरे से मुलाकात की थी। इसमें विपक्ष के नेता अजित पवार, प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और पूर्व मंत्री छगन भुजबल, सुनील तटकरे जैसे नेता भी शामिल रहे। इन नेताओं ने ठाकरे से आधिकारिक आवास मातोश्री में करीब एक घंटे तक चर्चा की। खास बात है कि ठाकरे के इस्तीफे के बाद से ही एनसीपी और शिवसेना के बीच संपर्क नहीं था। एक वरिष्ठ नेता ने गोपनीयता की शर्त पर कहा कि एनसीपी नेतृत्व का मानना है कि उद्धव ठाकरे को यह मानने की जरूरत है कि उनकी एकता उनके ही अस्तित्व के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि कानूनी लंबी चलने की संभावना है, लेकिन अगर सभी तीन दल साथ रहेंगे और मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो राज्य में राजनीतिक फायदा भी उनके पक्ष में होगा। उन्होंने कहा नीतीश कुमार के विपक्षी दलों के साथ जुड़ते ही राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक तस्वीर बदल गई है। अगर सभी विपक्षी दल साथ आए तो चीजें बदल सकती है। साल 2019 में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई थी, लेकिन शिवसेना में विधायकों की बगावत के बाद सरकार गिर गई थी। राज्यसभा सांसद और बिहार भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी के एक बयान से महाराष्ट्र सियासत भी गर्मा गई है। भाजपा नेता ने इस बात को माना कि उनकी पार्टी ने शिवसेना को दो हिस्सों में बांटा। उनके इस बयान के सहारे महाराष्ट्र भाजपा और एकनाथ शिंदे खेमे के खिलाफ विपक्ष हमलावर हो चुका है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अब यह तो साबित हो गया है कि शिंदे के विद्रोह के पीछे भाजपा का हाथ था, जिसने महाविकास आघाड़ी सरकार को गिरा दिया। सुशील मोदी ने कहा कि जयदू को भाजपा को धोखा देने के परिणाम भुगतने होंगे। बीजेपी ने कभी अपने किसी सहयोगी को चाकू नहीं मारा, हमने केवल उन्हें तोड़ा है जिन्होंने हमें धोखा दिया। जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना, जब उन्होंने हमें धोखा दिया तो उन्हें इसके परिणाम भुगतना पड़ा। उद्धव ठाकरे गुट के सुशील मोदी की इस टिप्पणी पर तंज कसा। उनका कहना है कि भाजपा का झूठ उजागर हो गया। शिवसेना नेता अंबादास दानवे ने आरोप लगाया है कि एक विद्रोह नहीं था, जैसे कि बागी विधायकों ने दावा किया था। यह भाजपा द्वारा
बनाया गया प्लान था गठबंधन करने और फिर पार्टी को नष्ट करने की भाजपा नीति है। भाजपा नेता सुशील मोदी ने जो कहा उससे भाजपा का झूठ उजागर हो गया है। इससे पहले राकपा सुप्रीमो शरद पवार आरोप लगाते रहे कि राज्यों में क्षेत्रीय सहयोगियों को खत्म करने की भाजपा की नीति है, वह देश में अकेली पार्टी बनना चाहती है। केंद्र सरकार के विस्तार के तार आगामी बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव से भी जोड़कर देखे जा रहे हैं। भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि पार्टी के ध्यान बीएमसी और सेना के गढ़ औरंगाबाद ठाणे और कल्याण डोंबिवली जैसे निकाय चुनाव पर है। इन्हें ध्यान में रखते हुए ही परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति की गई है। एकनाथ शिंदे कैबिनेट में बांद्रा पश्चिम से विधायक आशीष शेलार को शामिल नहीं किया गया। पार्टी सूत्रों का कहना है कि उनकी सेवाओं को बीएमसी चुनाव में इस्तेमाल करना राजनीति का हिस्सा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भाजपा पदाधिकारियों ने कहा है केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के नेताओं के साथ मिलकर अगले बीएमसी चुनाव में शिवसेना को हराने का खाका तैयार कर लिया है। साथ ही 134 वार्डों में जीत की कोशिश की जा रही है। औरंगाबाद नगर निगम पर भी भाजपा का फोकस है। कैबिनेट में शहर के तीन नेताओं अतुल सावे, अब्दुल सत्तार और संदीपन बुमरे को शामिल किया गया है। वही शिंदे के गढ़ ठाणे में सरकार को बड़ी जीत की उम्मीद है क्योंकि मौजूदा पार्षदों में से अधिकांश ने सीएम को समर्थन दिया है। वही कल्याण डोंबिवली नगर निगम को देखते हुए रविंद्र चौहान को जगह दी गई है। इसके अलावा गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटिल और दादा साहब भुसे के जरिए भाजपा उत्तरी महाराष्ट्र में स्थिति मजबूत करने की तैयारी में है, जहां एनसीपी बड़ी सियासी कोशिश कर रही है। जालना में स्टील कपड़ा व्यापारी और रियल एस्टेट डेवलपर के यहां छापे में करीब 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति मिली है। इसके अलावा 58 करोड़ रुपए कैश, 32 किलो सोना, हीरे मोती और कई प्रॉपर्टी के दस्तावेजों को आयकर विभाग ने जब्त किया। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी में मिले कैश को गिनने में विभाग को 13 घंटे लगे। छापेमारी 1 से 8 अगस्त के बीच की गई। छापा आयकर विभाग के नासिक ब्रांच में मारा था। महाराष्ट्र के 260 आरटी के अधिकारी और कर्मचारियों को इस छापेमारी में लगाया गया था। टीमें 120 से ज्यादा गाड़ियों में छापेमारी के लिए पहुंची थी। अधिकारियों ने बताया कि छापे में मिले हुए कैश को जालना के स्टेट बैंक में लेकर जाकर गिना गया। आयकर विभाग को सूचना मिली थी कि जालना के 4 स्टील कंपनी इनकम टैक्स चोरी कर रही है, जिसके बाद विभाग एक्शन में आया। विभाग ने कंपनी के निदेशकों और उनसे जुड़े अधिकारियों के घर और कारखाने में छापेमारी की। घर पर कुछ मिला नहीं, लेकिन शहर के बाहर फार्म हाउस में हुई छापेमारी में भारी नगद बरामद हुआ। सुरक्षित समझकर कड़े पहरे में यहां अंकुश संपत्ति रखी गई थी। जानकारों के अनुसार पुष्ट जानकारी के आधार पर यह पूरी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के पहले सभी आवश्यक दिशा निर्देश के लिए गए थे। जानकारों का मानना है कि इसमें कुछ खास लोगों ने आयकर विभाग का साथ दिया। पश्चिम बंगाल में रेड का सिलसिला जारी है। अब पशु तस्करी केस में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए टीएमसी के नेता अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। तो पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान औपचारिक 21 तोपों की सलामी के लिए सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी होवित्जर तोप का उपयोग किया जाएगा। वहीं राजौरी से 25 किलोमीटर दूर जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी मारे गए। इस दौरान सेना के 3 जवान भी शहीद हो गए। इसी बीच ये बात सामने आ रही है कि बिहार में सियासी उलटफेर की पटकथा महीनों पहले ही लिखी जा चुकी थी, जिसके तार कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से जुड़ रहे हैं। तो उधर मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को दवाओं के साथ दुआओं की भी जरूरत है। एंजियोप्लास्टी के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। देश भर के इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पशु तस्करी केस में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए टीएमसी के नेता अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह सीबीआई की टीम अनुव्रत मंडल के घर पहुंची थी। अनुव्रत मंडल बीरभूम जिले के टीएमसी अध्यक्ष है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है, जो पहले ही मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी से बैकफुट रहे थे। शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई थी। अनुव्रत मंडल ने सीबीआई की ओर से इस केस में भेजे गए 10 समन पर कोई जवाब नहीं दिया था। इसके बाद एजेंसी ने अदालत का रुख किया था। इससे पहले 2 बार सीबीआई उनसे पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई ने 2020 में पशु तस्करी के मामले में केस दर्ज किया था, जिसने अनुव्रत मंडल का नाम भी सामने आया था। सीबीआई के मुताबिक 2015 से 2017 के दौरान बीएसएफ ने 20,000 पशुओं के सिर बरामद किए थे। इन पशुओं की सीमा पार तस्करी की जा रही थी। सीबीआई ने हाल ही में केस में कई जगहों पर छापेमारी की थी। एजेंसी ने मंडल के बॉडीगार्ड सैगल हुसैन को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। जानकारी के मुताबिक अनुव्रत मंडल के घर पर
सीबीआई अधिकारी राजू मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम 5 से 6 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंची थी। एजेंसी ने घर पर ही अनुव्रत मंडल से कुछ देर पूछताछ की और फिर गिरफ्तार कर लिया। देश अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान अनौपचारिक 21 तोपों की सलामी के लिए सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी हेविट्जर तोप, एडवांस्ड ऑन आर्टिलरी गन सिस्टम प्रोटोटाइप का उपयोग किया जाएगा। यह प्रदर्शन देश की बढ़ती क्षमता का प्रतीक माना जा रहा है। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव को प्रदर्शित करने के लिए इस बार कई नई पहल की गई है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार परंपरागत रूप से इस्तेमाल की जा रही ब्रिटिश तोप के DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित पूरी तरह से स्वदेशी ATGS से औपचारिक 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। लाल किले पर होने वाली मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के सभी जिलों के NCC कैडेटों को आमंत्रित किया गया है। इन कैडेटों को भारत के मानचित्र के भौगोलिक फॉर्मेशन में लाल किले की प्राचीर के सामने ज्ञान पथ पर बैठाया जाएगा। वे भारत की संस्कृति विविधता का प्रतीक स्थानीय परिधानों से सुसज्जित होकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश को प्रसारित करेगी। समाज के उस वर्ग को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है जिसे आमतौर पर अनदेखा किया जाता है। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रेडी पटरी वाले, मुद्रा योजना ऋणग्राही व्यक्ति, शवगृह कार्यकर्ता आदि शामिल है। उन्हें लाल किले पर मुख्य कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। जम्मू कश्मीर से आतंकी हमले की खबर आ रही है। राजौरी से 25 किलोमीटर दूर एक आतंकी हमले में 2 आतंकियों सेना की एक कंपनी की ऑपरेटिंग बेस पर आत्मघाती हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। इस दौरान सेना के 3 जवान भी शहीद हो गए हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि राजौरी की दारहाल इलाके में परगल में सेना के एक शिविर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हो आतंकवादियों को गुरुवार तड़के मार गिराया गया। जम्मू जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने कहा कि हमले में सेना के 5 जवान भी घायल हुए हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने इलाकेबंदी कर दी है और जगह के लिए अतिरिक्त दलों को भेजा गया है। आतंकियों ने तड़के राजौरी जिले के दारहल इलाके में बुद्ध कनाडी के पास परगल सेना के शिविर की बाढ़ को पार करने की कोशिश की। गार्ड ड्यूटी पर तैनात संतरी ने उन्हें चुनौती दी। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। यह एक आत्मघाती हमला था जिसे गार्ड ड्यूटी पर तैनात सतर्क संतरी ने नाकाम कर दिया। कश्मीर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने ट्वीट किया कि लश्कर ए तैयबा के छिपे हुए 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। घटनास्थल से शव निकाले जा रहे हैं जिनकी पहचान किया जाना अभी बाकी है। आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। यह हमारे लिए एक बड़ी सफलता है। इससे पहले बडगाम जिले में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए हैं। बिहार में नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। NDA से अलग होकर जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रीय जनता दल समेत कुछ पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन तैयार कर लिया है। खबर है कि इसकी पटकथा महीनों पहले ही लिखी जा चुकी थी जिसके तार कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से जुड़े रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सोनिया गांधी और नीतीश कुमार के बीच हुई बातचीत में यह स्क्रिप्ट तैयार हो गई थी। कुमार ने तब COVID-19 संक्रमण से जूझ रही सोनिया का हाल जाना था। बातचीत के दौरान कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पड़ रहे दबाव का भी जिक्र किया और कहा कि भाजपा उनकी पार्टी तोड़ना चाहती है। बातचीत के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बदलाव के लिए सोनिया से सहयोग मांगा था। तब कांग्रेस प्रमुख ने उन्हें राहुल गांधी से भी बात करने के लिए कहा था। इसके बाद कुमार ने तेजस्वी यादव का रुख किया और राहुल से संपर्क साधने के लिए कहा। वहीं राजद नेता भी तत्काल वायनाड सांसद से बात की थी। खास बात है कि इस संपर्क के बाद राहुल ने भी पार्टी के प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास के साथ संपर्क में रहने पर सहमति जताई थी। इन चर्चाओं के बाद बिहार की राजनीति किस्मत लिखी गई थी। खबर है कि नीतीश बहुमत के आंकड़े को हासिल करना चाहते थे ताकि भाजपा उनकी सरकार न गिरा सके। इसके लिए उन्होंने शांत रहकर संख्या बल 164 पहुंचने का इंतजार किया और आंकड़ा यहां तक पहुंचने में वाम और कांग्रेस का भी योगदान रहा। मशहूर कॉमेडियन राजीव श्रीवास्तव को दवाओं के साथ दुआओं की भी जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक एंजियोप्लास्टी के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। सीने में दर्द होने से और जिम में कसरत के दौरान गिर जाने के बाद उन्हें कल एम्स में भर्ती कराया गया। इसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। दिल्ली के एक होटल में रुके राजू श्रीवास्तव बुधवार को जिम में वर्कआउट कर रहे थे तभी उनके सीने में तेज दर्द हुआ और वह ट्रेडमिल पर गिर पड़े। राजू को तुरंत एम्स में भर्ती कराया गया जहां कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि राजू की हालत नाजुक बनी हुई है
और उन्हें दवाओं के साथ दुआओं की भी जरूरत है। राजू के दिल की धमनियों में कई ब्लॉकेजेस है। जब से राजू के बीमार होने की खबर सामने आई है, उनके करोड़ों फैंस में निराशा है और सभी उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस, द कपिल शर्मा शो, शक्तिमान जैसे टीवी शो के अलावा राजू श्रीवास्तव ने कई हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है। उनकी कॉमेडी को प्रशंसक नेचुरल मानते हैं। वे कहते हैं कि हंसाने से उनकी कला अद्भुत है। वह किसी भोंडेपन का शिकार नहीं है, उनकी कॉमेडी फुहड़ता से काफी। 58 साल के राजू श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है। भाजपा में आने से पहले वह समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं। यूक्रेन के साथ जंग में रूस अब खूंखार आतंकियों का सहारा ले रहा है। रूस ने कैदियों को ऑफर दिया है कि वे अगर जंग लड़ते हैं तो उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। वही श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच देश छोड़कर भागे गोटाबाया राजपक्षे अलग अलग देशों में शरण ले रहे हैं। अब वे थाईलैंड जाने वाले हैं, तो चीन ने ताइवान के एकीकरण को लेकर एक श्वेत पत्र जारी किया है जिसमें धमकियों की बौछार की गई है। इस बीच ब्राजील की एक न्यूज वेबसाइट के अनुसार नए वायरस के संक्रमण के डर से साओ पाउलो राज्य में एक हफ्ते से भी कम समय में 10 बंदरों को जहर दिया गया है। तो उधर दुनिया के कुछ सबसे अमीर व्यक्ति ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर एक खजाने की तलाश में शामिल हो गए हैं। हेलीकॉप्टर और ट्रांसमीटर के सहारे खजाने की काफी जोर शोर से तलाश की जा रही है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का अंत नजर नहीं आ रहा। दोनों ही देशों को भारी नुकसान हुआ है। जानकारों के अनुसार पिछले 6 महीनों में यूक्रेन के साथ करते हुए रूस के 75,000 सैनिक या तो मारे जा चुके हैं या फिर घायल हुए हैं। इस वजह से मॉस्को जंग में सैनिकों की पूर्ति के लिए खूंखार कैदियों का सहारा ले रहा है। जानकारी के मुताबिक रूस ने कैदियों को ऑफर दिया है कि वे अगर जंग लड़ते हैं तो उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इस बात का खुलासा कैदियों और उनके रिश्तेदारों के बीच हुई बातचीत में हुआ है। खबर है कि जेल से रिहा होने और भारी रकम पाने के लालच में रूस के ये खूंखार कैदी जंग में कत्लेआम मचा रहे हैं। जब ये कैदी घायल हो जाते हैं तो वे ठीक होने तक सीधे अपने घर वापस लौट रहे हैं। इस खुलासे के लिए रूस भर में दर्जनों जेलों में हथियारों से लेकर नशीली दवाओं के अपराधियों तक सैकड़ों लोगों से संपर्क किया गया तो पता चला कि जंग में जाने वाले कैदियों को रूस की ओर से 1,00,000 से लेकर 2,00,000 रुपए तक का ऑफर एक निजी सैन्य ठेकेदार के जरिए दिया जा रहा है। इस ऑफर को स्वीकार करने के बाद कैदियों को रूस के दक्षिणी इलाके रोस्तोव में 15 दिनों की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बाद उन्हें यूक्रेन की जंग में भेजा जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार रूसी सेना में हथियारों को शामिल किया गया है, लेकिन बलात्कारियों, अतिवादियों या आतंकवादियों को नहीं लिया जा रहा। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच देश छोड़कर भागे गोटाबाया राजपक्षे अलग अलग देशों में शरण ले रहे हैं। श्रीलंका छोड़ने के बाद वो सबसे पहले मालदीव पहुंचे थे। इसके बाद वो सिंगापुर गए जहां वो अब तक शरण लिए हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से उनके किसी और देश में शरण लेने की खबर आ रही है। हाल ही में श्रीलंका सरकार ने सिंगापुर के अधिकारियों से पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को सिंगापुर में और कुछ दिन रहने देने की अपील की थी। संभवतः इसकी अनुमति नहीं मिली है, इसलिए गोटाबाया राजपक्षे अब थाईलैंड में शरण लेंगे। वीजा की अवधि समाप्त होने के कारण 11 अगस्त को राजपक्षे के सिंगापुर छोड़ने की उम्मीद जताई जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक वो आज ही थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचेंगे। इस बीच थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे थाईलैंड कुछ दिनों के दौरे पर आ रहे हैं। उन्हें यहां शरण देने की बातें पूरी तरह से गलत है। बता दें कि राजनयिक पासपोर्ट पर गोटाबाया राजपक्षे 90 दिनों तक थाईलैंड में रह सकते हैं। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति के थाईलैंड में शरण लेने को लेकर श्रीलंका सरकार की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन विदेशी अखबार को दिए गए साक्षात्कार में श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति को फिलहाल श्रीलंका लौटने से बचना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये उनके लौटने का समय है। यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर चीन का गुस्सा शांत होने का नाम भी नहीं ले रहा और अब चीन ने ताइवान के एकीकरण को लेकर एक श्वेत पत्र जारी किया है जिसमें धमकियों की बौछार की गई है। अमेरिका समेत दुनिया की अलग अलग शक्तियों को चेतावनी देते हुए लिखा गया है कि हम एक चीन हैं और ताइवान चीन का एक हिस्सा है। ये इतिहास और कानून द्वारा समर्थित एक निर्विवाद तथ्य है। ताइवान कभी भी एक राज्य नहीं रहा है, चीन के एक हिस्से के रूप में इसकी स्थिति अपरिवर्तनीय है। चीन ताइवान के प्रश्न को हल करने और चीन के पूर्ण एकीकरण को साकार करने के ऐतिहासिक मिशन के लिए प्रतिबद्ध है। ये पूर्ण राष्ट्रीय एकीकरण की प्राप्ति चीन राष्ट्र के इतिहास और संस्कृति से प्रेरित है और हमारे राष्ट्रीय कायाकल्प की गति और परिस्थितियों से निर्धारित होती है। चीन के श्वेत पत्र में आगे लिखा गया है कि इससे पहले हम राष्ट्रीय कायाकल्प के लक्ष्य के इतने करीब नहीं थे,
पर अब हम आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और उसे हासिल करने में सक्षम हैं। और जब हमारे लक्ष्य तथा एकीकरण की बात आती है तो ये बातें 100% सच है। ताइवान के सवाल पर चीन का यह तीसरा श्वेत पत्र है। पिछले दोनों श्वेत पत्रों की तरह तीसरे श्वेत पत्र में एक बार फिर जोर दिया गया है कि शांतिपूर्ण पुनर्मिलन और एक देश दो प्रणाली ताइवान प्रश्न को हल करना चीन का मूल सिद्धांत है। ब्राजील की न्यूज वेबसाइट ने बताया कि साओ पाउलो राज्य के साओ जोस डो रियो प्रेटो शहर में एक हफ्ते से भी कम समय में 10 बंदरों को जहर दिया गया है। इसी तरह की घटनाएं अन्य शहरों में भी हुई है। इस पर संज्ञान लेते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुख जताया है। जिनेवा में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान WHO की प्रवक्ता मार्गरेट हैरिस ने कहा कि लोगों को ये जानना होगा कि अब हम जो संक्रमण देख रहे हैं वो मनुष्यों के बीच है। हैरिस के अनुसार जानवरों से मनुष्यों में संक्रमण हो सकता है, लेकिन हालिया प्रकोप केवल मानव संपर्कों से संबंधित है। जहर देकर बंदरों की हत्या पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को निश्चित रूप से जानवरों पर हमला नहीं करना चाहिए। WHO के अनुसार ब्राजील में मंकी पॉक्स के 1700 से अधिक मामले हैं। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 29 जुलाई को इस बीमारी से संबंधित एक मौत की पुष्टि की थी। पीड़ित एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी। मई के बाद से लगभग 90 देशों में मंकी पॉक्स के 29,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। WHO ने जुलाई में मंकी पॉक्स के प्रकोप को देखते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में घोषित किया था। दरअसल मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जो मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के वर्षावन क्षेत्रों में होती है, लेकिन अब इसका दायरा दुनिया के अन्य देशों तक फैल गया है। दुनिया के कुछ सबसे अमीर व्यक्ति ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर एक खजाने की तलाश में शामिल हो गए हैं। हेलीकॉप्टर और ट्रांसमीटर के सहारे खजाने की काफी जोर शोर से तलाश की जा रही है। इन अमीर कारोबारियों में दो सबसे बड़े नाम हैं, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस। इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्रीनलैंड में भारी मात्रा में बर्फ पिघल रहा है, पर अरबपति कारोबारियों, निवेशकों और खनन कंपनियों के लिए एक बड़ा अवसर बनकर सामने आ गया है। ऐसा माना जा रहा है कि ग्रीनलैंड में ग्रीन एनर्जी को बनाने के लिए महत्वपूर्ण खनिज छिपे हुए हैं और उन्हें ही निकालने के लिए अरबपतियों में होड़ लग गई है। जेफ बेजोस, माइकल ब्लूमबर्ग और बिल गेट्स सहित कई अरबपतियों के एक ग्रुप का मानना है कि ग्रीनलैंड के डिस्को द्वीप और नुसुआक प्रायद्वीप पर पहाड़ियों और घाटियों की सतह के नीचे सैकड़ों लाखों इलेक्ट्रिक वाहनों को बिजली देने के लिए पर्याप्त मात्रा में महत्वपूर्ण खनिज दबे हुए हैं। हालांकि जेफ बेजोस, ब्लूमबर्ग और बिल गेट्स ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, पर ग्रीनलैंड में दुर्लभ और कीमती धातुओं को खोजने के लिए कोबोल्ट ने ब्लूजे माइनिंग के साथ भागीदारी की है। बता दें कि इस वक्त जब दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रही है तो ऊर्जा को स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जो बैटरी बनाए जाते हैं उसमें बड़े पैमाने पर इन्हीं दुर्लभ खनिज धातुओं का इस्तेमाल होता है। लिहाजा ये अरबपति कारोबारी इस रेस में पीछा नहीं रहना चाहते हैं। तो वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।